हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इजी मेथड से हाउस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दो साइड डॉट रख के सेंटर में एक डॉट रखना है और ऊपर की साइड एक डॉट रखना है। फिर ऊपर वाले डॉट से साइड के डॉट को ज्वाइन करते हुए ट्राइंगल आपको बनाना है। इतना ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद दो साइड आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है, पर थोड़ी अंदर की साइड से आपको ड्रॉ करनी है। इतना ड्रॉ हो जाए फिर आपको नीचे से स्लिपिंग लाइन आपको ज्वाइन करनी है। फिर उसके बाद आपको सेंटर में डोर बनाना है। उसके लिए ऊपर की साइड स्लिपिंग लाइन बना के दो स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर सेंटर में एक और लाइन बनानी है, फिर दो सर्कल और फिर दो साइड दो छोटे स्क्वायर बना के विंडो आपको बनानी है और उसके बीच में आपको प्लस ड्रॉ करना है, यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लिपिंग लाइन। फिर ऊपर छत में आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हम स्केच पेन की मदद से बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर करने के टाइम पे आपको इतना ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमने जो पेंसिल से ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही आपको बॉर्डर कंप्लीट करनी है। आराम से, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है और ध्यान से आपको पूरी हाउस की बॉर्डर कंप्लीट कर लेनी है। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक और अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी देखिए सेंटर की लाइन बना के ये दो सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको इरेजर की मदद से पूरे ड्राइंग पे लाइट लाइट हल्के से इरेज कर लेना है, जिससे अपने पेंसिल के जो मार्क है वो इरेज हो जाए। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है, अभी हम करेंगे कलर शुरू। छत में हमको लेना है बॉर्डर मरून और अंदर रेड। बिल्कुल ब्लैक कलर की स्केच पेन को टच करते हुए ही आपको मरून की बॉर्डर करनी है और आपको ध्यान से रेड कलर ऊपर से कंप्लीट करते हुए नीचे आगे बढ़ना है। कलर करने के टाइम पे आपको इतना खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल वाइट आपकी स्पेस ना छूटे। अच्छे से आपको कलर पूरा टोटली छत में ऊपर फिल करना है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम शुरू करेंगे नीचे की साइड जो पतली लाइन बाकी है उसमें वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर फिल करने के पहले आपको ये वही कलर से आपको बॉर्डर कंप्लीट करनी है। चारों साइड आपको बॉर्डर कंप्लीट करनी है और ये अपना पार्ट जो है वो स्लिपिंग में लंबा है तो आपको स्लिपिंग में ही इसको कलर कंप्लीट करना है। ऊपर से कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और अच्छे से धीरे धीरे एक साइड से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए और वाइट स्पेस जो रहती है उसको फिल करते हुए आगे आपको बढ़ना है। वॉयलेट कलर कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो दो साइड विंडो है उसमें बॉर्डर की साइड डार्क ब्लू और इन साइड स्काई ब्लू फिल करना है। बीच वाली लाइन जो है उसके ऊपर भी आपको डार्क ब्लू करना है और फिर पूरे पे आप स्काई ब्लू अच्छे से फिल कर लीजिए। अच्छे से आपको पूरा डार्क से फिल करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद दरवाजे में बॉर्डर डार्क ब्राउन और इन साइड हम लेंगे लाइट ब्राउन, तो अच्छे से बॉर्डर कर लेनी है। फिर जो सर्कल जो बचेंगे उसमें मैं येलो कलर फिल करूंगा, तो अच्छे से आपको पूरा ये कलर कंप्लीट करना है डार्क से। तो दोस्तों, वीडियो स्किप किए बिना स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, ड्राइंग को पूरा परफेक्टली समझिए फिर ड्रॉ कीजिए। दरवाजा कंप्लीट होने के बाद जो बाहर का पार्ट है उसमें मैं बॉर्डर ऑकर येलो और इनसाइड क्रोम येलो करूंगा और मैं ये अपने जो वीडियोस बनाता हूँ वो डेली अपलोड करता हूँ, तो डेली आप क्लास अटेंड कीजिए, सारे वीडियो परफेक्टली देखिए
और सारे पिक्चर की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपका ड्राइंग पूरा परफेक्ट होगा। देखिए अभी अंदर की साइड ये क्रोम येलो में फिल कर रहा हूँ, स्टैंडिंग में ही इसमें स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, तो फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरे स्टैंडिंग में ही स्ट्रोक्स लेने हैं। और एक साइड से शुरू करते हुए ही आपको एंड तक पूरा कंप्लीट करना है और अच्छे से पूरा नीटली आपको वर्क करना है। और एक बार मैं आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पूरे देखिए, जिससे आपके सपोर्ट की वजह से मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ जो आपको काफ़ी ही यूजफुल रहेंगे। अब ये साइड भी आपको पूरा कंप्लीट ऑकर येलो कंप्लीट कर लेना है, सॉरी क्रोम येलो। ये देखिए दोस्तों अपना ये हाउस में क्रोम येलो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं नीचे की साइड बैकग्राउंड जो है जमीन का दिखाने के लिए वहाँ पे मेहंदी ग्रीन कलर करूँगा, हल्का सा मैं शेड दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको बैकग्राउंड में डार्क करना नहीं है, लाइटली ही थोड़ा करना है, लाइट पूरा शेड दे देना है। इसके बाद पीछे वाला बैकग्राउंड स्काई ब्लू से कंप्लीट करना है, अच्छे से लाइट से कंप्लीट कर लीजिए। पूरा लाइट से पूरा फिल कर लेना है। देखिए दोस्तों अपना ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।